Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy to Sketch. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट वीडियो से रिलेटेड शेप्स के जरिए आप कौन-कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे होंगे कितनी तरह के शेप्स हैं। इन शेप्स के जरिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमारा फ्लैग बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम एक हाफ सर्कल लेंगे, हाफ सर्कल इस तरह से, फिर उसे इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे। फिर यहाँ से इस तरह से करेंगे। इस तरह से तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारा अम्ब्रेला बनके तैयार हो गया है। उसी तरह से आप और भी चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि इस तरह से लें देखा आपने कितनी आसानी से हमारा नाव बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप और भी चीज़ें बना सकते हो। बेसिक शेप्स के ज़रिए आप कुछ भी बना सकते हो। अगर बेसिक शेप्स के ज़रिए आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो आसानी से वो स्केच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से करें। ये हमारा कैंडल बन के तैयार हो गया। उसी तरह से आप और भी चीज़ें बना सकते हो। एक हाफ सर्कल लें, फिर इस तरह से करें। फिर इस तरह से करें। आप कोई भी चीज़ बनाओ उसमें बस एक शेप खोज लीजिए और उसे आसानी से स्केच कर लीजिए। देखिए हमारा झोपड़ी बनके तैयार हो गया है। उस तरह से आप और भी चीज़ें बना सकते हो। देखा आपने कितनी आसानी से हमारा कैप बन के तैयार हो गया। इस तरह से आप जग भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप इस तरह से कंडा कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से करते हैं। इस तरह से आप मैंगो बना सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। इस तरह से
वेजिटेबल्स बना सकते हो, फ्रूट्स बना सकते हो, कोई भी चीज़ बना सकते हो। इस तरह से लीव्स चाहो तो आप फ्लावर भी बना सकते हो। इस तरह से शेप्स के जरिए आप कोई भी चीज़ स्केच कर सकते हो आसानी से। आई होप अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती हो तो मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।